हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्कर्व डायलिसिस क्या होता है या फिर आईएसओ डायलिसिस क्या होता है। आप लोगों ने जनरली सुना होगा कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, फ्लूड ओवरलोड जो पेशेंट होता है उसमें सिर्फ पानी निकाला जाता है, कि डायलिसिस नहीं होता है, ब्लड की क्लियरेंस नहीं होती, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिमिक वेस्ट हम नहीं निकालते हैं, उसके अंदर सिर्फ आपका क्या निकलता है, पानी निकलता है। तो इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे। सेम वैसा ही प्राइम होता है जैसा आपका डायलिसिस में होता है, ठीक है। आप और वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा होता है, यूरो बैग का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या ड्रेन के लिए लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी लगाएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे लगाते हैं हम लोग। तो गाइस, फाइनली आप लोग देख सकते हो यूरो बैग कनेक्ट कर दिया गया। अब जो पानी निकलेगा यूरो बैग के अंदर कलेक्ट होगा, जिसके मैंने मशीन के अंदर भी टाइम सेट कर दिया है कि इतने टाइम में इतने लीटर यूएफ निकलना चाहिए। अगर आप टाइम नहीं भी सिलेक्ट करोगे तो यूएफ निकलता रहेगा। यूरो बैग में आप मेज़र करके यूएफ को डिस्कार्ड कर दोगे बाद में, ठीक है। तो कनेक्शन देखिए बिल्कुल सेम है, बस इसमें एक चीज़ क्या अलग होती है, कपलर नहीं लगाया जाता है, ना ही आपकी कंसनट्रेटेड लाइन लगाई जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इसके अंदर कंसनट्रेटेड लाइन नहीं लगाई है, ना ही कपलर लगाया, ठीक है। देख सकते हो कपलर कोई नहीं लगाया पीछे से भी, ठीक है। और मैं आपको पार्टे पार्ट भी दिखा देता हूँ, वो भी हमने इसमें यूज़ नहीं किया है, क्योंकि फ्लो हमारा ऑफ है, फ्लो की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्लड की क्लियरेंस नहीं हो रही। तो ये था इस वीडियो में स्कर्व डायलिसिस के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी।